करोगे ना, उतने ही आप जो है क्वेश्चन सॉल्वर बनाएंगे। अगर रीडिंग पुअर है, यू कैन नॉट बी अ गुड गुड क्वेश्चन सॉल्वर। सो मेक योर रीडिंग परफेक्ट। वेयर शैल वी स्टे फ्रॉम दैम? अच्छा, इन आइलैंड से होकर के हम कहाँ जाएंगे? सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। सदाओ ने सीरियसली अपने पिताजी से, हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। ये तो डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से बनाते हैं, आई मीन हम किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करते हैं, उस चीज पर डिपेंड करता है। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father had said. Sadao ने इस बात को ही उतना seriously अपने mind में रख लिया था जितना seriously वो अपने father के द्वारा बोली हुई हर बात को seriously लेते। His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. यानी Sadao के father कभी भी जो है अपने बच्चे के साथ में joke नहीं करते थे। He was a very serious father. And he took infinite pains in providing the things to his son, as he was his only son. Dr. Sadao was his only son. Yani, Dr. Sadao apne baap ki ikhlauti aulaad the. Sadao knew that his education was his father's chief concern. Sadao ko pata tha ki Sadao ki education unke pitaji ka sabse bada chinta ka vishay hai. Unke pitaji ki chinta ka vishay sabse bada kya tha? सदाओ को इस बात का पता था कि सदाओ की एजुकेशन उनके पिताजी की चिंता का सबसे बड़ा विषय था और वो हर तरीके से अपने बेटे को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते थे। इसी की वजह से उन्होंने, आई मीन डॉक्टर सदाओ के पिताजी ने सदाओ को 22 साल की एज में अमेरिका भेजा था। क्यों भेजा था अमेरिका? टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी सर्जरी और मेडिसिन के क्षेत्र में जितना कुछ सीखा जा सके। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलूंगा तभी तो आवाज आएगी, ऐसे कैसे आ जाएगी आवाज? सर आप आपकी वीडियो तो अटकी है। अरे वीडियो चली गई, एक्चुअली वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया तो इसीलिए मैंने फिर मोबाइल पे ले लिया है, मोबाइल डेटा पर ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, तो इस बात से कोई टेंशन मत लो आप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कह रहा था कि सदाओ की एजुकेशन उसके फादर की सबसे बड़ी चिंताजनक विषय था, इसी की वजह से उन्होंने 22 साल की एज में अपने बेटे को कहाँ भेज दिया था? अमेरिका भेज दिया था, टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। यहीं तक हुआ था ना? अच्छा, ही हैड कम बैक एट 30। डॉक्टर सदाओ जो है 30 साल की एज में, जब 30 साल के हो गए थे ना, तब जो वापस आए थे अमेरिका से। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। आई मीन डॉक्टर सदाओज फादर्स ड्रीम वॉज टू सी हिज सन नॉट ओनली एज अ सर्जन बट ऑल्सो एज अ साइंटिस्ट। यानी कि जब उसके पिताजी जिंदे थे ना, तब उसके पिताजी का यही सपना था कि मेरा बेटा एक सर्जन तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि एक साइंटिस्ट भी बने। अब क्योंकि सदाओ जो है एक ऐसी डिस्कवरी पर काम कर रहे थे जो किसी भी वुंड को एंटायरली क्लीन कर सकती थी, कैसा कर सकती थी?
एंटायरली क्लीन कर सकती थी, इसी पर्पस से उनको सेना के साथ विदेश में लड़ने के लिए नहीं भेजा गया था। क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू में जापान, जर्मनी, इटली और तुर्की जैसे राष्ट्र एक्सिस पावर की तरफ थे, तो जापान भी अपना खूब कोऑपरेशन कर रहा था। जब कोऑपरेशन कर रहा था तो सेना भेजी गई थी जापान से, और जब जापान से सेना जा रही है तो उस कंट्री के मुखिया का ये महत्व तो बनता है, क्योंकि सेना के साथ में कुछ आर्मी के डॉक्टर या अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी भेजे, ताकि अगर सैनिक घायल हो जाते हैं तो उनको ऑन द स्पॉट ट्रीट कर सके। लेकिन डॉक्टर सदाओ वॉज नॉट सेंट विद द ट्रूप टू अब्रोड। क्यों नहीं भेजा गया था? एक रीजन तो ये था, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। समझ आ रहा है ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ? Are you getting what I want to explain, beta? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि why was Sadao not sent to abroad with the troop? तो आंसर आपका ये होना चाहिए, Sadao was not sent to abroad with the troop because he had been perfecting a discovery that could make the wound entirely clean. एक रीजन, and second reason that there was slight danger that the general might need an operation for which he kept Sadao in Japan. जिसके लिए उसने Sadao को जापान में ही रखा हुआ था। क्लियर? तो ये रीजन थे। ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, बता चुका हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ कि कुछ डेंजर हो सकते हैं, दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली। यानी जनरल को कुछ ऐसे भी खतरे हो सकते हैं कि उसे ऑपरेशन के उसका ऑपरेशन करना पड़ जाए, जिसके लिए फिलहाल उसको मेडिकली ट्रीट किया जा रहा था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बींग कैप्ट इन जापान। यानी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर एक ऐसा डॉक्टर जो घायल सैनिकों के लिए एक भगवान की तरह, रामबाण की तरह साबित हो सकता था, उस डॉक्टर को जापान में ही रखा गया था, उसको युद्ध लड़ने के लिए बाकी सैनिकों के साथ में नहीं भेजा गया था। क्लियर? क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। ओशन से जो बादल उठ रहे थे, द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। यानी पिछले कुछ दिनों की गर्मी की वजह से जो है, रात के टाइम पर समुद्र की लहरों की वजह से मौसम जो है फॉगी हो गया था, यानी धुंध वाला हो गया था। सदाओ वॉस्ट मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर। सदाओ ने देखा कि किनारे के पास एक छोटा सा आइलैंड था, उसके चारों तरफ जो है कोहरा छा चुका है। देखिए मिस्ट और फॉग दोनों अलग अलग होते हैं, मिस्ट धुंध होता है, और सॉरी मिस्ट कोहरा होता है और फॉग धुंध होता है। और कोहरे और धुंध मत बताइए, जो दूर तक थोड़ा थोड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी विजिबिलिटी होती है उसे मिस्ट कहते हैं, और जिसमें बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं होती उसे फॉग कहते हैं। जरा सी विजिबिलिटी होती है फॉग के अंदर, ठीक है, मिस्ट में खूब विजिबिलिटी होती है। मिस्ट में तो कम से कम एक एक दो दो किलोमीटर तक की विजिबिलिटी होती है, लेकिन फॉग की अगर बात करें तो इट हैज ओनली 5 to 10 meters मैक्सिमम। And then come creeping up the beach below the house. और फिर देखा वो मिस्ट धीरे धीरे करके उनके घर के नीचे तक आ रहा था, breathing around the pines, और जो है पाइन के जो पेड़ थे ना उनके चारों तरफ छाता हुआ चला जा रहा था। In a few minutes fog would be wrapped about the house. ऐसा लग रहा था कि कुछ एक मिनट में चारों तरफ, घर के चारों तरफ क्या हो जाएगा, धुंध ही धुंध हो जाएगा। Then he would go into the room where Hana, his wife, would be waiting for him. फिर वो जो रूम में गए जहाँ पर उनकी पत्नी जो दोनों बच्चों के साथ में उनका क्या कर रही थी, वेट कर रही थी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपनड एंड शी लुक्ड आउट। इसी क्षण जो है दरवाजा खुला और बाहर देखा उसने, अ डार्क ब्लू वूलन हायोरी। यानी वो क्या पहने हुए थी, डार्क कलर का वूलन हायोरी पहने हुए थे अपने किमोनो के ऊपर। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज। यानी उसने अपने हाथ को सदाओ के हाथ में डाला, एज ही स्टूड, जैसे को खड़े हुए थे, मुस्कराई एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं कहा। वो बस उस प्लेजर को फील कर रही थी जो प्लेजर उसको शादी के टाइम पर हुआ था।
ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, सदाव की मुलाकात हाना से अमेरिका में हुई थी, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज, लेकिन उसने हाना के प्यार में या हाना से प्यार का इजहार करने में थोड़ा टाइम लिया था, क्योंकि पहले वो ये एंश्योर करना चाहता था कि ये प्योर जापानीज है या नहीं है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, उसके पिताजी उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो अपनी रेस में प्योर नहीं होती तो। रेस होता है जैसे हमारे यहाँ कास्ट होती है, ऐसे ही दूसरी कास्ट दूसरे कंट्रीज में रेस चलती है, जिसे नस्लवाद कहते हैं। सर प्योर का क्या मतलब है? प्योर का क्या मतलब है सर? अरे प्योर का मतलब यही है कि नस्ल उसकी प्योर है या नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्योर नहीं होते, ये कहूँ कि कुछ समाज के अवांछनीय तत्व होते हैं जिनका समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं होता, उसके केस में है यहाँ पे, समझ गए? और तुम जो सोच रहे हैं वो भी, तुम जो सोच रहे हैं वो भी रीजन हो सकता है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या सोच रहे हैं, तो वो भी रीजन एक हो सकता है। देखो मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा, बट एक खानदानी रिस्पेक्ट होता है ना, एक खानदान के किसी फैमिली वैल्यूज होते हैं कम्युनिटी के, तो उसको एंश्योर करना चाहते थे सदाव के फादर और सदाव दोनों। अच्छा, ही वंडर्ड ऑफन होम ही वुड हैव मैरिड इफ ही हैड नॉट मेट आना, वो सरप्राइज करके सोचता है कि अक्सर यार किससे शादी करते हम अगर मुझे हाना नहीं मिली होती तो। अरे यार इसमें टेंशन की क्या बात है, किसी से और से कर ले तो जरूरी था, हाना से ही होनी थी। एंड बाई वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, बाई चांस, लिटरली बाई चांस, बड़े कैजुअल वे में ऐसे ही मुलाकात हो गई थी हाना से, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर मुलाकात हुई थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंग्जियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, प्रोफेसर उसकी पत्नी बड़े दयालु व्यक्ति थे और वो हमेशा जो है चिंतित रहते थे, व्याकुल रहते थे अपने विदेशी बच्चों के लिए कुछ करने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ था कि अमेरिकन प्रोफेसर ने, प्रोफेसर हार्ले ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी और उस पार्टी में जो है उसने सारे बच्चों को बुला रखा था। तो सदाव उसके घर पर उस पार्टी में नहीं जाना चाहता था। वो क्यों नहीं जाना चाहता था? वो इसीलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके रूम्स जो है छोटे छोटे हुआ करते थे, खाना अच्छा नहीं होता था, प्रोफेसर की पत्नी चैटरबॉक्स थी, बतौली थी। लेकिन ये सोच करके कि यार प्रोफेसर को बुरा लगेगा और दयालु है नेचर से, तो वो चला गया। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना अ न्यू स्टूडेंट, और वहां पर उसकी मुलाकात हाना से हुई एक न्यू स्टूडेंट के रूप में, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, यानी उसने तभी मन बना लिया था कि वो उससे प्यार का इजहार करेगा अगर थोड़ा भी पॉसिबल रहा तो। Now he felt her hand on his arm. अब उसने अपनी आर्म पर हाना के हाथ को फील किया, एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और प्लेजर फील कर रहा था जो खुशी उसके हाथ से उसको मिल रही थी। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन, हालांकि उनकी शादी बहुत पहले हो गई थी, यानी इतने पहले हो गई थी कि अब उनके दो बच्चे हैं। किनके हैं दो बच्चे? दो बच्चे किनके हैं बेटा? सदाओ और हाना के। गुड, वेरी गुड, वंडरफुल आंसर।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर माइक ऑन कर लो। अरे सर अनम्यूट तो कर लो। किसी और से बात कर रहे हैं सर। नहीं इनको पता ही नहीं है कि हम म्यूट है। म्यूट है। कहना क्या चाह रहे हैं? पूछ ले पलक, तू बोलेगी तो सुन लेंगे। तो चुप रह ठीक है। सही कह रही है, पूछ ले पलक। स्क्रीन भी नीचे जा रही है, मतलब सर पढ़ा रहे हैं और सर का माइक ऑफ है। आए बढ़िया मौज कर। सर को फिर हमारी आवाज पीसी में देखो, सर के साइड में माइक वो स्पीकर म्यूट पे है। तो वही तो हम भी कह रहे हैं भाई, कॉल करके बोल दे। करती हूँ। उठानी नहीं रहे, उठा ही नहीं रहे। सब कर लेते रेज हैंड, देखेगा तो।
सर पूरा चैप्टर पढ़ा दोगे क्या ऐसे? तो सर पढ़ते ही जा रहे। हेलो हेलो सर सुन लो। सर फोन भी नहीं उठा रहे। सर लगता है क्वेश्चन पूछने इसलिए चुप हो गए। एक बार लीव करके फिर वापस ज्वाइन कर रहे हैं। शायद सर को समझ में आए कुछ। हाँ सर अनम्यूट कर लो। सर बहरे हो गए क्या? दो बार फोन कर रही है उठा भी नहीं रहे।
कब से नहीं है ये? बहुत देर हो गई सर। तब से बताया क्यों नहीं तूने? बता तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तीन बार मैसेज कर रहे हैं। मैसेज मैंने देखा ही नहीं। और फोन सर आपका? फोन ये रहा आपको? हाँ तो दो बार फोन किया मैंने, तीन बार। शिट मैंने देखा, अचानक से देखा मैंने। मरवा दिया तुमने तो आज। चलो दोबारा से पढ़ाऊं? हाँ सर, जो आपने पूछा था ना किसके दो बच्चे हैं, उसके बाद से ही। अच्छा अच्छा, चलो भाई ठीक है, मरवा दिया भाई, मरवा दिया। हमने क्या मरवा दिया, हम तो पिछले आधे घंटे से ला रहे सर। माइक म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। इस नेट ने मरवा दिया यार। सर फिर आपको हमारी आवाज तो आनी चाहिए थी। तो तुम्हारी तो आवाज आ रही थी। हम लोग चिल्ला रहे माइक एंड म्यूट कर लो। तो सर आप कह रहे हो के तो तुम्हारी आवाज, तुमने किसी ने कुछ बोला ही नहीं, बोला था क्या सर आपने? ऑडियो सर हमने पूरे रामायण कथा गाली। चलो कोई बात नहीं, चलो देखो। अच्छा, फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि उन्होंने जो है अमेरिका में जल्दीबाजी में शादी नहीं की थी। हीडलेसली का मतलब जल्दीबाजी में। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, यानी उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली थी, फिर जापान में आए थे। और वहां जब उसके फादर ने, आई मीन सदाओ के फादर ने ये देख लिया था कि हाना जो है प्योर जैपनीज है, तो जो है जैपनीज तौर तरीकों से उनकी शादी ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, अरेंज करवाई गई थी। ऑल दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर एंड, हालांकि पहले ही सदाओ और हाना जो है अपनी शादी से रिलेटेड बातों को पहले ही कर चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, उसने अपने चीक को जो उसकी आर्म से टिका दिया। ठीक है। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, यानी ठीक उसी मोमेंट जब जो प्लेजर फील कर रहे थे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के अपनी शादी के टाइम का, तभी उन्होंने किसी चीज को मिस्ट में से बाहर आते हुए देखा। इट वॉज अ मैन, ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, उसे जो समुद्र की लहरों के द्वारा जो है बाहर फेंक दिया गया था। इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, ऐसा लग रहा था कि किसी लहर के द्वारा इसे फेंका गया। ब्रेकर का मतलब लहर है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, वो जो है कुछ कदमों तक लड़खड़ाया और चला, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद में उसके चारों तरफ मिस्ट छा गया, कोहरा छा गया। His arms above his head, उसके हाथ जो हेड से ऊपर चले गए। Then the curled mist hit him again, फिर जो है जो कुंडली नुमा मिस्ट था ना उसके चारों तरफ से छा गया और वो व्यक्ति फिर से छुप गया। Who is that? हाना cried. कौन है ये? हाना चिल्लाई। She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. जिस सदाओ के हाथ को पकड़े हुए थी ना प्लेजर फील कर रही थी, वो सब छोड़ छाड़ के दोनों के दोनों वरंडा की जो रेलिंग थी ना उस पर झुके और बोली कि ये कौन है। Now they saw him again, फिर से दिखाई दिया। The man was on his hands and knees crawling, वो हाथों के ऊपर पैरों के ऊपर क्या कर रहा था, क्रॉलिंग कर रहा था। Then they saw him fall on his face and lie there, फिर उन्होंने उसको चेहरे के बल गिरते हुए देखा और पड़ा हुआ था। A fisherman perhaps, सदाओ said, सदाओ ने कहा शायद एक fisherman होगा, washed from his boat, जो अपने नाव से बहकर के आ गया होगा। He ran quickly down the steps and behind him came Anna, वो जो है दरवाजे के स्टेप से नीचे दौड़ता हुआ आया और उसके पीछे पीछे कौन आ गई, हैना आ गई। कौन आ गई थी? हैना, हैना नहीं है, हाना है। हर वाइट स्लीप फ्लाइंग, उसकी बड़ी बड़ी जो स्लीप थी ना उड़ रही थी हवा की वजह से, जैसे कि वो दौड़ रही थी। A mile or two away on either side there were fishing villages, यानी उनके घर के एक या दो मील की दूरी पर बीच की दोनों तरफ जो है मछुआरों के गांव हुआ करते थे। But there was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks, लेकिन यहाँ पर तो ये bare and lonely coast था, जहाँ पर जो है क्या लगे हुए थे, dangerous rocks भी थे। The surf beyond the beach was packed with rocks, the surf beyond the beach, यानी जो बीच की उस दूसरी तरफ जो लहरें थी ना वो रॉक्स की वजह से स्पाइक हो जाती थी, यानी नुकीली सी हो जाती थी। Somehow the man had managed to come through them, जैसे तैसे करके उस व्यक्ति ने इनसे बच बचा कर निकलने का प्रबंध कर लिया था। बट ही मस्ट बी बैडली टोर्न, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या हो गया होगा, घायल हो रहा होगा। दे सो व्हेन दे केम टू वर्ड हिम एंड इंडीड इट वॉज सो,
यानी जैसे ही वो उसके नजदीक आए तो उन्होंने देखा और सच में वो व्यक्ति घायल हो रखा है। नाउ इज इट प्रॉपरली ऑडिबल? अरे अब तो ऑडिबल है नहीं है? यस सर। अब है सर। पता चले फिर मरवा दें, दोबारा दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। हमारी क्या गलती? The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. यानी उसके दूसरी तरफ sand की वजह से जो sand लगी हुई थी और पानी लगा हुआ था वो already लाल कलर का धब्बा सा बना बन चुका था, क्योंकि जहां से ब्लड आ रहा था ना उस ब्लड से sand लग गई तो वो sand रेड कलर की हो गई थी। He wounded, Sadao exclaimed. अरे ये तो घायल हो रखा है, सदाओ ने कहा। He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand. यानी जो व्यक्ति जिसका फेस जो है सैंड में धसा हुआ था उसको देखने की जल्दीबाजी कर रहा था डॉक्टर सदाओ। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, एक पुरानी सी कैप जो उसके सिर पर लगी हुई थी जो ऑलरेडी सी वाटर को सोक कर चुकी थी यानी समुद्री पानी पी चुकी थी। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट्स, उसके कपड़े जो है गीले और फटे हुए से थे। सदाओ स्टॉप्ड हाना एट हिज साइड, सदाओ रुक गए, हाना उसके बगल में खड़ी हुई थी। एंड टर्न्ड द मैन्स हेड दे सॉ द फेस, उन्होंने उस व्यक्ति के सिर को पलट के देखा, फेस देखा उसका। अ व्हाइट मैन, हाना विस्पर्ड, तभी हाना ने धीमी सी आवाज में बोली, अरे ये तो कोई श्वेत व्यक्ति है। यस इट वाज अ व्हाइट मैन, हाँ ये व्हाइट मैन था। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, यानी गीली जो कैप थी ना वो जा चुकी थी, निकल चुकी थी उसके सिर में से और उसके गीले येलो बाल थे। एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वाज अ रफ येलो बियर्ड, यानी उसके टॉर्चर्ड से यंग से फेस पर येलो बियर्ड थी और उसके येलो हेयर थे सिर पर। ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों से इस व्यक्ति के ना तो बाल काटे गए हैं और ना ही इसकी दाढ़ी बनाई गई है। He was unconscious and knew nothing that they did for him. वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस था और उसे कुछ भी नहीं पता था जो उसके लिए कर रहे थे। Who does they refer here? ये दे किसको रेफर कर रहा है? Who does they refer here? बोलो जल्दी से। सदाओ। सर दोबारा बोलो, कौन? सदाओ और बोलो बोलो जल्दी से बोलो। हाना। यस एग्जैक्टली, सदाओ और हाना। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये लोग उसके लिए क्या कर रहे थे। नाउ सदाओ रिमेम्बर द वुंड, अब सदाओ को उस वुंड की याद आई कि घाव होगा इसके कहीं ना कहीं। एंड विद एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगिन टू सर्च फॉर इट, और अपनी एक्सपर्ट फिंगर्स वो वुंड को ढूंढने लगे। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही वो टच करते तो ब्लड जो तेजी से बहने लग जाता। On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. Sadao ने देखा कि इसकी right side में lower back के पास right side में एक gun wound है जो reopen हो चुका है। क्या हो चुका है? वो reopen हो चुका है। और उसके आसपास का जो area था ना वो बारूद की वजह से कैसा पड़ा हुआ था? काला पड़ा हुआ था। Sometimes, not many days ago, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, कुछ टाइम पहले इस व्यक्ति को गोली लगी हुई थी।
क्या लगी हुई थी? गोली लगी हुई थी, और गोली लगने के बाद में इस व्यक्ति की देखभाल नहीं की गई थी किसी ने। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और ये बुरी बात थी कि रॉक ने भी इसी जगह पर प्रहार किया है और इसको चोटिल कर दिया है। ओह हाउ ही इज ब्लीडिंग, आना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस। आना ने सीरियसली आवाज में कहा था कि देखो कितना खून आ रहा है इसके। द मिस्ट क्लीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली, मिस्ट जो है उनके चारों तरफ छा चुका था। एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाई, और उनके आसपास में भी कोई नहीं था दिन के इस टाइम, क्योंकि दिन छुप गया था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, फिशरमैन जो घर जा चुके थे। एंड इवन द चांस बीच कमर्स वुड हैव कंसीडर द डे एट एन एंड, और बीच कमर होता है गोताखोर ने भी ये सोच लिया होगा कि दिन खत्म हो गया तो वो भी घर जा चुके थे, तो इसीलिए उनके आसपास कोई भी नहीं था। अब जैसे उनको ये पता चला था कि व्हाइट मैन है तो वो सोचने लगे, व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर्ड, क्या करेंगे इस आदमी का। बट इज ट्रेंड एंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड डू टू स्टैंच द फियरफुल ब्लीडिंग, लेकिन उस तेजी से बहते हुए ब्लड को रोकने के लिए जो कुछ सदाव के ट्रेंड एंड कर सकते थे ना, उसे रोकने का भरसक प्रयास कर रहे थे। स्टैंच का मतलब होता है टू स्टॉप, फियरफुल ब्लीडिंग यानी भयानक ब्लीडिंग। He packed the wound with sea moss. उन्होंने क्या किया कि sea moss लेकर के wound को pack कर दिया। Sea moss, do you understand? It is algae that strewed the beach, जो फैली रही थी कहाँ पर? Sea beach पर। देखा ही होगा sea beach पर बहुत सारी algae हो जाती है, जिसे हिंदी में शैवाल कहते हैं। The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. अपने बेहोशी में व्यक्ति दर्द के मारे करा रहा था, but वो जागा नहीं, यानी होश में नहीं आया। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, यानी जो सबसे अच्छी चीज जो हम इसके लिए कर सकते हैं वो यही है कि इसको फिर से कहाँ फेंक दो, समुद्र में फेंक दो। सैड सदाव आंसरिंग हिमसेल्फ, सदाव ने कहा खुद का आंसर देते हुए, खुद से बात करते हुए। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। अब ब्लीडिंग रुक चुकी थी तो डॉक्टर सदाव ने अपने हाथों पर जो डस्ट लगी हुई थी ना, उसको ऐसे करके झड़काया। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, आना सेट स्टार्ट। आना ने भी सीरियसली कहा था कि यही सबसे अच्छा होगा कि हम इसको फिर से समुद्र में फेंकते हैं, क्योंकि अमेरिका और जापान दोनों ही जो दोनों एक दूसरे के एनिमी थे। बट सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो उस मोशनलेस व्यक्ति की तरफ कंटिन्यूसली देखती रही। इफ वी शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, अगर हम किसी व्हाइट मैन को अपने घर में शेल्टर देते हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे। एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव सर, अगर हम इसे एक POW के रूप में पुलिस को हैंड ओवर करते हैं तो भी मारा जाएगा ये, सदाव ने कहा। The kindest thing would be to put him back into the sea, हाना सर, सबसे दयालुता वाली चीज यही होगी कि हम वापस इसको सी में फेंकते हैं। But neither of them moved, लेकिन उन दोनों में से कोई भी ऐसा करने के लिए आगे नहीं आया। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure, यानी बड़े ही curious expulsion के साथ, यानी कि curious repulsion का मतलब होता है एक घना की नजरों से जो उस व्यक्ति की तरफ देख रहे थे। What is he, हाना whispered, ये है क्या, हाना ने धीमी सी आवाज में कहा। There is something about him that looks American, यानी कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से क्या लग रहा है, अमेरिकन लग रहा है, क्या लग रहा है, अमेरिकन लग रहा है, यानी ये व्यक्ति अमेरिकन है। सदाव said, he took up the battered cap, इसने क्या किया, डॉक्टर सदाव ने उसकी जो बैटर यानी टोर्न कैप थी ना उसको उठाया, लिया हाथ में। यस दे आर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग, लेटरिंग का मतलब वो लेटरिन नहीं है, वो लेटरिन होती है, लेटरिंग है, लेटरिंग का मतलब कुछ धुंधले से अक्षर थे। आई मीन देर वर सर लेटर सम लेटर्स ऑन द कैप, उस पर क्या लिखा हुआ था, अ सेलर ही सैड, क्या लिखा था उस पर, सेलर ही सैड,
फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, यानी अमेरिकन वॉरशिप से बहकर के आया हुआ एक सेलर था, एक नाविक था, अमेरिकन नेवी का बंदा था। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने पढ़ा यूएस नेवी, द मैन वाज अ POW, वो व्यक्ति कौन था, POW यानी जहाज से बहकर के आया हुआ था, किसी ने गोली मार दी होगी और वो उससे गिर गया होगा, गिर करके फिर लहरें उसको बहा करके यहाँ तक ले आई होंगी, वो तैरता हुआ आ गया होगा, ये हुआ। ही हैज एस्केप्ड, उन्होंने उसको छोड़ दिया था, सॉरी ही हैज एस्केप्ड, वो बच करके भाग करके आया है, ये आदमी बच के आया है युद्ध से। हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना ने धीरे से बोला, एंड दैट इज व्हाई ही इज वुंडेड, और इसीलिए घायल। इन द बैक सदाओ अग्रीड, बाद में सदाओ भी सहमत हो गए थे कि हाँ ये जरूर बच के भाग के निकल के आया वहां से। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, वो एक दूसरे की तरफ देख करके हेजिटेट हो रहे थे, और फिर हाना ने बड़े ही संकल्प के साथ में कहा, रेजोल्यूशन के साथ में कहा था, क्या रेजोल्यूशन लिया था उसने, देखो, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, चलो क्या हम दोनों फेंक दें इसको समुद्र में, इफ आई एम एबल आर यू, सदाओ अच्छा मैं फेंकने के लिए सक्षम हूँ तो क्या आप फेंक दोगी। नो हाना सैड, बट इफ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन आप तो इसको अकेले भी कर सकते हैं ना, अगर अकेले कर लो तो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, द स्ट्रेंज थिंग इज ही सैड दैट इफ द मैन वर होल, अजीब चीज ये है कि अगर ये व्यक्ति हेल्दी होता, ऐसा होता अगर ये व्यक्ति हेल्दी होता, I could turn him over to the police without difficulty, तो मैं बिना किसी difficulty के इस व्यक्ति को पुलिस को हैंड ओवर कर देता। I care nothing for him, he is my enemy, all Americans are my enemy, and he is only a common fellow, a common fellow है, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है। You see how foolish his face is, सर ये किसने बोला था, कौन था सर, यही अगर ये हेल्दी होता तो मैं पुलिस को, डॉक्टर सदाओ ने, ठीक, अगर ये हेल्दी होता तो मुझे पुलिस को हैंडओवर करने में इसको कोई डिफिकल्टी नहीं होती, मैं इसकी कोई केयर नहीं करता, ये मेरा दुश्मन है और सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है, एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, और ये तो एक कॉमन सा फेलो है। यू सी हाउ पुलिस इज फेस इज, कितना बेकार सा इसका चेहरा है, कितना मूर्ख सा लग रहा है, बट सिंस ही इज वुंडेड, लेकिन मुझे तरस इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये कैसा है, घायल है इसीलिए। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, तुम भी नहीं फेंक सकते क्या इसको सी में, हाना सैड, देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, फिर तो बस एक ही चीज है, एक ही ऑप्शन है, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, चलो इसको घर ले चले। बट द सर्वेंट सदाओ इंक्वायर्ड, लेकिन सर्वेंट सदाओ ने पूछा। तो बस आज के लिए इतना ही काफी आई थिंक है, ठीक है, चलो होमवर्क नोट कर लो, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ मैं आपको, कुछ एडिशनल टाइम हो गया, अच्छा टाइम हो गया, खाना खाना है क्या या सोना है, ना ना ऐसा नहीं हम, अरे कितने बेकार बच्चे, छी ऐसे बेकार बच्चे हैं, बेटा सुबह नहाता हूँ 7 बजे, देख ले फोटो, देख ले दिखाता हूँ तुझे, सर अभी तक तो वैसे ही हो, 7 बजे नहा लेता हूँ, ठीक 7 बजे रोजाना नहाता हूँ बेटा, सर वो एक दिन गलती से आए थे, रोज नहीं मानते उसे, हैं एक दिन गलती से नहाली तो रोज नहीं मानते उसे, ना ना बेटा मैं रोज नहाता हूँ, सच में रोज नहाता हूँ, चलो फिर ओके बाय बाय, लव यू, सी यू टुमारो, है मुस्कान दे।